नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल न्यूपुर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिस सेट बनाने में दोस्तों, 50 क्वेश्चंस विथ हिंदी एंड इंग्लिश दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सभी जानते हैं। सो दोस्तों, एक लाइक आपको ज़रूर बनता है दोस्तों, आप लोग मेहनत को दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के लिए मेहनत बहुत की जा रही है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ही सिर्फ लाया जा रहा है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का ही समय है ये अब दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैंने जीके और साइंस दोस्तों दोस्तों अच्छे से करवा चुका हूँ, आप लोग देखा नहीं है तो उसको प्लेलिस्ट को देख लीजिए और आप पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको पता लगता है प्रैक्टिस सेट का ही समय है। प्रैक्टिस सेट जितना लगाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं आपको दूंगा 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा, ये मेरी जवान है दोस्तों, मैं कह गारंटी लेकर कहता हूँ मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा दोस्तों रोज, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। और मैं दोस्तों वो लड़का नहीं हूँ जो बोल के सो जाने वाला दोस्तों, मैं जितना बोल दिया हूँ तो वो मैं ज़रूर करूँगा, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये नहीं करने वाला तो मैं प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैं ज़रूर दूंगा जो मैंने बोला हूँ, नहीं तो दोस्तों जो बहुत अलग अलग चैनल होते हैं वो सिर्फ 2 दिन का शौक दे के बंद हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारा ऐसा काम नहीं है, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। सो दोस्तों, आपको जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका फिर एक मॉडरेट लेवल पे बनाया गया है, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रखिएगा, सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मतलब जो कि एक मॉडरेट लेवल का है इसे प्रैक्टिस सेट में सही है। सो दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन देख रहे पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम प्रैक्टिस सेट को। हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत को किला निम्न में से कहा जाता है, आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी। सो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का शहर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, कौन सा? अब आप लोग बताएंगे मुझे कोयम्बटूर, अहमदाबाद, मुंबई या कानपुर। सो दोस्तों मैं बताता हूँ उसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए नॉर्थ का पूछा गया दोस्तों, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या हो सकता है दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में आप क्या पड़ता है, जैसे कि यूपी पड़ता है, ठीक है नॉर्थ तरफ, तो यूपी का दोस्तों एक स्टेट इसमें नाम आ रहा है क्या, कानपुर, तो कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों कानपुर ही इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ऐसे भी पता लगा सकते हैं। तो मैप देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैप से ही आप लोग को हर चीज़ याद करना है, नहीं तो बिना मैप के दोस्तों आप लोग को याद नहीं होगा, मैप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोलते हैं दोस्तों इसे, कोयम्बटूर को, ठीक है। अहमदाबाद को तो आप पता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, और आप मुंबई को तो पता ही दोस्तों आप लोग को क्या कहते हैं, हीरो की नगरी दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं जूट, कॉटन, सिल्क या प्लास्टिक गुड्स, किसको कहते हैं दोस्तों गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सिल्क को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हु बिल्ट द आगरा फोर्ट, आगरा का किला निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने, दोस्तों आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, तो आगरा फोर्ट दोस्तों आगरा फोर्ट आपको बना था अकबर ने, ठीक है, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जरूर जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद आता हूँ विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, किसको कहा जाता था, तो आप लोग देखिए ऑप्शन दोस्तों, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर टू या जहांगीर, दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था दोस्तों, औरंगजेब को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट नेटिव प्लेस ऑफ एस्किमोज, एस्किमोज का निवास कहाँ माना जाता है, इंडिया, रसिया, कालाहारी या तुंद्रा रीजन, सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, तुंद्रा रीजन, तुंद्रा प्रदेश, ठीक है। हु इज़ द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग हो जाती, गलती हो जाती है टाइपिंग करने में, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन रॉय या नन ऑफ दी, सो दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम जो कि रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑथर ऑफ हु लिव्स इन डाइज इज, हु लिव्स इन डाइज, हु लिव्स के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो यहीं से आपको लोग को दोस्तों ऑप्शन मिल गया है, जवाहरलाल नेहरू ने ही हु लिव्स इंडिया डाइज लिखी है। येलो मूवमेंट सिग्निफाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्योडिटी, पीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, 9th क्वेश्चन है दोस्तों ये, पीली क्रांति किसमें संबंधित है, आपके ऑप्शन ए ऑल सीड तिलहन, ऑप्शन बी वीट गेहूं, ऑप्शन सी ग्राम चना, ऑप्शन डी सनफ्लावर प्रोडक्शन, सूर्यमुखी उत्पादन,
होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ऑल सीट्स तिलियंस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव मी ब्लड एंड आई शॉल गिव यू फ्रीडम, हु गेव दिस स्लोगन, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, दीन बंधु या सुभाष चंद्र बोस? किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बॉर्डर ऑफ यूपी स्टेटेड टचेज विद हाउ मेनी स्टेट्स, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श कितने राज्यों से करती है? अब देखिए यूपी स्टेटेड टचेज विद हाउ मेनी स्टेट्स, कितने राज्यों से, ठीक है कितने राज्यों से ये पूछा गया आपको, कितने राज्यों से? तो दोस्तों नौ राज्यों से, नौ राज्यों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज कॉल्ड, क्या है आप लोग बताएंगे मुझे? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों मुझे बताएंगे ये, ठीक है ये दोनों मुझे बताएंगे दोस्तों, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन जो है वो इंडिया और चाइना, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और जो डोरंड लाइन है ये क्या होगा? डोरंड लाइन ये होगा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को डिवाइड करता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 375, आर्टिकल 36। सो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन, आपके ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 50A, आर्टिकल 50A दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इसी में दी है। द फाइव ईयर प्लान हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, रशिया या जापान? सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज कैरिड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 156, आर्टिकल 85, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352। सो दोस्तों यहाँ पे जिनको आर्टिकल याद होगा वो लोग फटाक से आंसर दे देंगे, खटाक से उड़ा दिया ये 352, खटाक से उड़ा दिया आपने इसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानस टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम या केरल राज्य? दोस्तों मानस नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में स्थित है दोस्तों, असम, और कैपिटल है दोस्तों दिसपुर, असम की कैपिटल है दिसपुर। और दोस्तों मैं बता दूं मानस यहाँ पे, और एक और है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के मन में आ चुका होगा वो क्या है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क, वन राइनो हॉर्स के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये दोस्तों क्वेश्चन जो कि है रिपीट हो चुका है, इसका भी आंसर सी ही होगा, आप थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका होगा, सो आप लोग दोस्तों एक मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मार्क्स आए आपके। मोहिनीअट्टम इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश का है, असम का है, केरला का है या त्रिपुरा का है? दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केरला, मोहिनीअट्टम केरला का है, और क्या है एक और है कथकली, तमिलनाडु का है दोस्तों भरतनाट्यम। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बांद्रावली सी लिंक, ठीक है बांद्रावली समुद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशील सेतु, और वेबनर रेल ब्रिज। सो दोस्तों महात्मा गांधी सेतु ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों एक जो बना है पटना में वो शायद तक बहुत अभी बड़ा है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ दोस्तों, बता दूंगा आप लोगों को, कमेंट में पिन कर दूंगा। तो वो जो की है वो सबसे बड़ा है पटना में दोस्तों, अभी नया बना है, मैं उसका नाम भूल लिया हूँ। ठीक है चलिए बता दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो बिल्ट इन इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नोन एज, इसरो ने भारत पहले उपग्रह का निर्माण जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? सो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, आप लोग इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इस फॉर्म खरीफ कृषि ऋतु तक होती है, आपके ऑप्शन दोस्तों उसमें आपका रवि क्रॉप पूछा जाता है, जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट था मुझे याद था। देखिए दोस्तों खरीफ मतलब जो कि फसल से भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जून से सितंबर के बीच में खरीफ क्रॉपिंग होती है। ठीक है, द जायद क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, देखिए दोस्तों जायद कृषि ऋतु तक होती है, कब तक होती है आपके? जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से जनवरी, दिसंबर से मार्च, बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्रैल से जून, अप्रैल से जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों इनमें से पूछा है, तो मार्स जो कि सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा इनमें से। ठीक है, व्हाट इज द इंडियन फ्लावर नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय फूल आप सभी को पता है क्या है? लोटस। ठीक है, एक नेशनल से भी पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
25 फ्रॉम द फॉलोइंग हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, निम्न में थे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएंगे, सुषमा स्वराज, मार्गेट एल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मीरा कुमार जो कि पहली निम्न लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। चलिए 26 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अध्यातिक क्रियाशील कौन है और उससे मिट्टी का तेल केरोसिन में रखा जाता है, और सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या ब्रोमीन। सो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, सोडियम जो कि केरोसिन के तेल में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक धातु अयस्क है, अभ्रक, स्टफिक क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार या गैलेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों की आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या ह्रास होती है, में वृद्धि होती है, अपवर्तित रहती है या किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 28 का ए, ऑप्शन नंबर ए, ह्रास होती है। ठीक है, वल्कनित रबड़, मतलब वल्कनित रबड़ को दोस्तों सल्कनाइज्ड रबड़ बोलते हैं, शायद तक कितनी गंधक अर्धवृष्ट होती है, 2%, 3 से 5%, 7 से 9% या 10 से 15%। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरिक एसिड मूत्राल किसमें प्रमुख नाइट्रोजिक अपस्थित होती है, मेढक, पक्षी, मछली या मनुष्य। दोस्तों बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल भक्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी या अंडमान द्वीप समूह। दोस्तों बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, रंधी क्षेत्र की परिवेशी विशिष्ट अपवर्तित अधिचर्म कोशिकाओं को कहते हैं। दोस्तों साइंस के थोड़े से क्वेश्चन जो कि थोड़े से हार्ड हैं दोस्तों इस बार के, तो आप लोग जरूर थोड़ा सा हार्ड भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी कुछ भी साइंस थोड़ी सी हार्ड होती है दोस्तों। इस मामले में पत्तियों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं, दोस्तों पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा, पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है, जलोभिद, समोभिद, मरुद्भिद या अधिपादप। सो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मरुद्भिद जो कि डेजर्ट में पाई जाती है वही कैक्टस की बात कर रही है। निम्नलिखित में से क्या नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है, थोरियम, भूतापीय ऊष्मा, ज्वार शक्ति, विकिरण ऊर्जा। 35 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2.4। अब देखिए दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हैं, 36 से दोस्तों 36, ये पूरा आपको मैथ्स का ही सेक्शन है पूरे नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला जो पेज है इसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रखा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन उसमें कम थे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस प्रैक्टिस सेट की, जितने भी आपने शुरू से दोस्तों जितके भी प्रैक्टिस सेट आपने किए उस प्रैक्टिस सेट का पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा, और 20 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोगों को दिए जाएंगे, ना ही कोई चार्ज लेके, ना ही कोई पैसे लेके, कोई दोस्तों ना एडवर्टाइजमेंट करेंगे दोस्तों, सिर्फ अगर आप लोग को पढ़ना है तो दोस्तों पढ़ें, ना ही कोई हम इसको चाहता तो मैं दोस्तों सेल भी कर सकता था, पर कंडीशन मैं जानता हूँ और लोगों की जो कि नहीं ले सकते थे, पर हमें उन्हीं की ही मदद करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे हमारी सभी नोटिफिकेशन आने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत दोस्तों।